सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जानने लगे कि आप प्रो से प्रो बंदे को कैसे मार सकते हो। प्रो मतलब मेरे जैसा बंदा आपके सामने आ गया तो अच्छा ठीक है, मैं नहीं हूँ प्रो। बट आप बैकग्राउंड वाले क्लिप में देखोगे तो मेरे सामने एक प्रो बंदा है और एकदम कुशल सिचुएशन है और मैंने इसको एकदम इजीली मार दिया। और ये जितना ज्यादा इजी दिख रहा है उतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बात को ध्यान में रखे फिर जाके उस बंदे को मैंने एकदम इजीली मार दिया। क्योंकि ये जो सामने वाला बंदा है ये कोई न्यू बंदा नहीं है, अगर मैं इधर छोटी सी भी गलती करता तो एकदम इजीली मर जाता। और आप ऐसे सिचुएशन में बहुत बार मर जाते हो, और ये खासकर कस्टम में बहुत बार होता है कि शॉर्ट रेंज के फाइट में हम लोग बहुत बार मर जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद आप शॉर्ट रेंज के फाइट में हर एक बंदे को मार पाओगे। क्योंकि मैं आज के वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, मतलब जो तरीका बताने वाला रश करने का, उससे आप कौन से भी प्रो बंदे को, मींस कितना भी लेवल है, 70 लेवल का, 60 लेवल का, 80 लेवल का, या कौन सा भी ड्रेस क्यों ना हो उसके पास, आप एकदम इजीली उसको मार पाओगे। तो चलो गाइस बिना कोई डाइस के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बिना कोई डाइस के पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के तब तो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी बंदे के ऊपर रश मारना। सबसे पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे रुक रुक के मत क्या करो, जैसे कि इधर देख सकते हो मैं रुका और मैं मर चुका हूँ, ऐसा आपको नहीं करना, ऐसे मूवमेंट करना है। एंड दूसरी चीज ये कि आपको कभी भी ऐसे खड़े नहीं हो जाना, जैसे कि मैं अभी खड़ा हो चुका हूँ, ऐसे खड़े होकर फायरिंग करना स्टार्ट नहीं करना। और तीसरा चीज ये, ऐसे डायरेक्ट रश मारने से पहले इसे यूज कर लो जरा, मतलब है तो इसे यूज कर लो, मतलब ग्रेनेड यूज कर लो। तुम्हें क्या लगा मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, तो मैं उसकी कैसी बात कर सकता हूँ? जस्ट किडिंग गाइस, जोक सपाट गाइस। आपको रश से पहले एक बार ग्रेनेड भी मार लेना, क्या पता ग्रेनेड से थोड़ा सा बंदा डैमेज बढ़ जाए, फिर जाके आप रश मार सकते हो। मैं आगे और टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो देन रश मारना, नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा सा ग्रेनेड से डैमेज पड़ा रश मार दिया एंड मर जाओगे फिर भी। क्योंकि प्रो बंदे को पता रहता है अगर उनका एचपी कम है तो उनको कैसे करके फाइट लेना चाहिए जब कोई बंदा रश मारता है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी दिमाग से खेलना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हो मेरे पास ग्रेनेड है, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, इसे बोलते हैं प्रो प्लेयर, ऐसे करके ग्रेनेड फेंकते, देख रहे हो मैं एंगल बना रहा था, मैं सोच रहा था पीछे बंदा है, ठीक है। अभी बताएगा दूसरे ट्रिक के तहत, आपने ऐसे ग्रेनेड फेंक दिया, क्या आपको इसके बाद डायरेक्ट रश कर देना चाहिए? तो नहीं, आपको डायरेक्ट रश नहीं करना है। आपके पास अगर एमो बहुत है तो ग्लोअल तोड़ना स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इससे होगा क्या, अगर एनिमीज के पास एक या दो ग्लोअल है तो ओपन में आ जाएगा, तो आप उसको मार सकते हो, या उसको आपके ऊपर रश मारना पड़ेगा तो आपके पास अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा। अगर वो सीधा सीधा आ रहा है तो इसलिए हेडशॉट मार पाओगे, तो इसलिए ग्लोअल तोड़ना स्टार्ट कर दो और ट्राई करो जितना हो सके उतना डैमेज दे सको। और ये सब चीज करोगे ना और आप नूब भी हो तो उसको प्रो लगेगा, इसलिए वो आपसे डर के रहेगा। इसलिए ये सब चीज तो जरूर करना, जिससे कोई भी बंदा हो, कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर क्यों ना हो मेरे जैसा, उसके अंदर डर थोड़ा सा तो आ जाए कि सामने बंदा प्रो है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छे से खेलना चाहिए, नहीं तो हल्के में आके मार के चला जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एनिमीज के ग्लोअल पे मार रहा हूँ और मैंने एनिमीज को भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अभी हम लोग तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या करेंगे, एनिमीज के ऊपर रश मारेंगे, डायरेक्ट रश नहीं मारेंगे। अगर आपके पास ग्लोअल है तो ग्लोअल का भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपके पास ग्लोअल नहीं है तो आपको कैसे रश मारना चाहिए दोनों का बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्लोअल की बात करते हो, तो आपको ग्लोअल कुछ इस तरीके से लगाना, जैसे देख सकते हो कि मैंने ग्लोअल लगाया और जैसे मैं एनिमीज के पास पूछा, देन आप जिस साइड से दिखाते उस साइड से मत जाओ, उसके अपोजिट जाओ। अगर आप सामने रहते तो आप सोचो, आप क्या सोचते, मैं इस साइड से आने वाला हूँ ना, इस साइड से, बट मैंने क्या किया लास्ट टाइम पे, मैंने चेंज कर दिया। ये मतलब कॉमन सी बात है, मतलब आपको लगेगा क्या ही फर्क पड़ता है इससे, बट उस टाइम पे बहुत कुशल सिचुएशन होता है, इसलिए ये छोटी छोटी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है, एनिमीज खासकर तो नहीं देता है। इसलिए अगर आप उस टाइम पे हल्का सा भी दिमाग यूज करोगे, मीन्स अपना ये यूज करोगे, तो पक्का आप सामने वाले बंदे को मार पाओगे। तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज भी क्या करो, इससे क्या होगा बंदे को आप सरप्राइज कर सकते हो। और मैं लिख के देता हूँ, अगर ये आप शुरू में करोगे तो शुरू के टाइम पे आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा। और ये जो ट्रिक है ये बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको जरूर से फॉलो करना। अभी बात करते हैं, अगर आपके पास ग्लो नहीं है और आपको रश मारना है बंदे के ऊपर, देन कैसे मार सकते हो? तो गाइस मैं अभी आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये बहुत सारे टूर्नामेंट प्लेयर फॉलो करते हैं और आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि मैंने क्या किया, जिगजैग मूवमेंट, मतलब इधर भी सेम मैंने वही किया कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो मैंने नहीं किया, मतलब जिस साइड से मैं आने वाला था उस साइड से मैं नहीं गया, उसको छोड़ के मैं अपोजिट साइड जाके मार दिया। एंड गाइस ये ट्रिक आपको तभी करना है जब आप बहुत ज्यादा पास में हो एनिमीज के, जैसे देख सकते हो कि एनिमीज का ग्लोअल कितना ज्यादा पास में, मेरा ग्लोअल कितना ज्यादा पास में, तभी आपको करना है। इतना ज्यादा दूर में तो आप थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में ही ट्राई करो। एंड यस गाइस अभी बढ़ते हैं 14 टिप्स एंड ट्रिक्स के तरफ। 14 टिप्स एंड ट्रिक्स सचमुच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऐसे कवर लिया करो, मींस जो नेचुरल कवर होता है, नेचुरली बोलेंगे ना, जो गेम में पहले से कवर होता है, मींस परमानेंट कवर होता है, उसका यूज करा करो जो आप शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हो। जैसे कि देख सकते हो कि मैं बंदे से फाइट ले रहा हूं, बहुत कुछ सिचुएशन चालू है, और मैं बीच बीच में देख सकते हो कि कवर का मतलब जो परमानेंट कवर होता है गेम में पहले से, उसका मैं यूज करके
मतलब बंदे को मार दिया एकदम इजिली। और ये खासकर कब काम आता है, जब आपके पास ग्लू ना हो, तो इसका आप जरूर से प्रैक्टिस किया करो। और इसका प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर सकते हो, ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस किया करो, सीएस रैंक में जाके प्रैक्टिस किया करो, और ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये रैंक में तो स्पेशली बहुत ज्यादा काम आता है, और ये सीएस रैंक में भी बहुत ज्यादा काम आता है। कस्टम में नहीं आता क्योंकि कस्टम में अनलिमिटेड ग्लोअल होता है, तो क्या ही टेंशन, बट रैंक में बहुत ज्यादा काम आता है। तो प्लीज इसको सीख लेना, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा रिएक्शन टाइम अच्छा चाहिए, मूवमेंट अच्छा चाहिए, बट अगर आप ये सीख गए तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। और मुझे आता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सीख जाओ, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा पे काम आता है, क्योंकि हर बार आपके पास ग्लो नहीं रहेगा और हर बार आप कस्टम तो नहीं खेलोगे, रैंक भी खेलोगे कभी कभार, तो इसीलिए ये ट्रिक को जरूर से सीख जाना। अभी बताएगा इस पांचवे टिप्स एंड ट्रिक्स के तब, जो कि एक गन मतलब ये नहीं कि आपको कौन सा गन लेना चाहिए जो आपको किसी भी बंदे के ऊपर रश मारना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि प्रो बंदा आपके पास अच्छा गन रहे तभी आया, कभी भी आ सकता है, शुरू शुरू में एकदम स्टार्टिंग में भी आ सकता है। इसलिए मैं गन का नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो कि मैं एनिमीज के पास में पूछ चुका हूँ, एंड मैं इस टाइम पे अगर MP40 चलाता रहता, मीन्स MP40 चलाता रहता, तो मुझे इधर ड्रैग करना था, मीन्स मैं इधर अभी एमोनेटेशन चला रहा हूँ, शॉटगन चला रहा हूँ, इसलिए मैं इधर ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी शॉट से भी बंदा मर जाएगा। बट अगर आपके पास इस टाइम पे एमोनेटेशन MP40 या UMP रहे, तो ड्रैग आपको करना है, नहीं तो फिर बंदे के पास शॉटगन है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते, इसीलिए थोड़ा सा ड्रैग किया करो। एंड यस, अगर आपके पास शॉटगन है तो सबके सब गोली भर दो, सबके सब गोली भर दो। अगर मिड रेंज में रहता तो आप ड्रैग कर सकते हो, बट MP40 UMP चला रहे हो तो यस आप ड्रैग किया करो, थोड़ा सा तो कम से कम किया करो, एकदम ज्यादा भी मत करना, बट थोड़ा सा किया करो जिससे हेडशॉट लगे, बंदा खत्म हो जाए, नहीं तो बंदे के पास अगर एमोनेटेड सेवन रहा तो हेडशॉट नहीं लगा तो आप भी मर सकते हो। एंड यस गाइस, शॉर्ट रेंज में ऐसा मूवमेंट करना, जैसे देख सकते हो मैं कोई भी जगह पे मतलब एक जगह पे खड़े होकर नहीं मार रहा हूं, मैं देख सकते हो इधर जा रहा हूं, फिर इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, ऐसा ही आपको कुछ करना। अगर सामने बंदा अच्छा है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक जगह पे खड़े होकर उसको एकदम इजिली मार दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, तो ऐसा मूवमेंट भी आपको करना है, अलग अलग जैसे थोड़ा थोड़ा सा डैमेज तो एंड एक बार मार दो, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो इतना है, होप आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पेज जैसे के सब्सक्राइब कर देना, इंडिया आप मुझे शाम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।